जब साता का उदय आता है तो मुझे सुख सामग्री मिलती है और उस साता के उदय में मैं ऐसा मदोन्मत हो जाता हूं कि मनुष्यता भूल जाता हूं, पशुता पर उतर आता हूं। उस साता के उदय में मैं किसी का ख्याल नहीं करता हूं, मैं तो अपनी सुख सुविधाओं की लंबी दौड़ में दौड़ता चला जाता हूं और ऐसा अहंकारी होकर के अकड़ के घूमता हूं। सब जानते हैं जिनको अपने पूर्व संचित पुण्य के उदय से सुख सामग्री मिली है वे कैसे संसार में डूबे हैं, किसी से छिपा नहीं। अपन भी जब सारी सुख सामग्री मिल जाती है तो धर्म को दरकिनार कर देते हैं, कर लेंगे बाद में, वहां तो आखिरी में पहुंचेंगे, तब भी चार लोग खड़े होंगे, बुलाकर आके बिठाएंगे। हमारा अहंकार देखो, जब हमारे किसी साता कर्म का उदय आता है जिससे कि हमें सुख सुविधा की और भौतिक सुख सुविधा की सामग्री मिलती है तो कैसे अहंकारी हो जाते हैं। यही तो कर्म के उदय में आसक्ति है और यही तो संसार बढ़ाने का काम है। कर्म के उदय ने हमारा क्या किया? कुछ नहीं किया। हमारा अपना पुरुषार्थ है। आप चाहते तो अपने उस सुख साता के समय में सारी भौतिक सामग्री को एक तरफ रख करके धर्म ध्यान कर सकते थे, लेकिन हमारी च्वाइस की उस भौतिक सुख सामग्री में मदोन्मत्त होकर के घूम रहे हैं। न धर्म की चिंता है, न मनुष्यता की फिक्र है। जैसा आचरण होगा पशुवत, सुबह से शाम तक अगर खाना है और रात में भी खाना है तो खा रहे हैं। ये काम तो सिर्फ पशुओं का होता है कि जिनको सिर्फ खाने की फिक्र होती है, जिनको सोने की फिक्र होती है और जिनको अपने भोग विलास की पूर्ति की फिक्र होती। अगर ऐसा ही हम भी कर रहे हैं तो समझना कि हमने अपने इस कर्म के पुण्य कर्म के जो उदय में अपन को सुख मिला था, साता का उदय, उसका ऐसा मिसयूज किया है। और फिर हम तैयार रहे आगे के उसके फल भोगने के लिए? फिर क्यों हम ये कहते हैं कि मेरे कर्मों के उदय ने मुझे और मुश्किल में डाल रखा है? कर्मों का उदय मुझे जितनी मुश्किल नहीं खड़ी करता, उतनी मेरे अपने कर्मों के उदय में मेरी गाफिलता, मेरी असावधानी, मेरा अपना अहंकार। और जब असाता का उदय आता है, जब असाता का उदय आता तो विचलित हो जाते हैं, अपना धैर्य खो देते हैं। जिस माध्यम से मेरे दुख दूर हो उस माध्यम को अपना लेते हैं, चाहे वो अनीति का रास्ता भी क्यों ना हो, मेरे दुख दूर करने का मिथ्या से मिथ्या उपाय मैं करता हूं। यही तो मेरे असाता के उदय को भोगने की कला मैंने नहीं सीखी है, इतना ही तो है। मेरे असाता को कैसे भोगना और मेरे साता के उदय को कैसे भोगना, दोनों को समतापूर्वक भोगना, नहीं तो संसार बढ़ेगा। इतनी चीज अगर कोई जान लेवे, इस कर्म के फल को भोगने की अगर हमारे चतुराई होवे, तो कोई वजह नहीं है कि कर्म का बंधन हमें इस संसार में रोक करके रखे।